खबर राजनांदगांव से है, जहां आगामी दिसंबर महीने में नगर निगम चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव से पहले वार्ड का परिसीमन कर दिया गया है। वही शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 50 सिंहदई के निवासी कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। वार्ड वासियों का कहना था कि वार्ड क्रमांक 50 का कुछ हिस्सा मोहरा वार्ड में जोड़ दिया गया है। दरअसल वार्ड क्रमांक 50 में शीतला मंदिर है, उसे भी मोहरा वार्ड में जोड़ दिया गया है, जिसका वार्ड वासी विरोध कर रहे हैं। वही वार्ड वासियों का कहना है कि शीतला मंदिर हमारा पुश्तैनी है और वहां का पुश्तैनी भवन भी वार्ड से कट रहा है। अगर परिसीमन हो जाए तो वार्ड के निवासियों को इससे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। राजनांदगांव से नीमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। ये वार्ड परिसीमन के मामला है, हम लोगों को यथावत सिंहदई वार्ड में जोड़ा गया है और मोहरा वार्ड वालों को भी आपत्ति है कि हमको यथावत उसी मोहरा वार्ड में जुड़ा रहने दिए। इसका कारण ये है कि वहाँ शीतला मंदिर वगैरह है, पुराना पैतृक उनका भवन वगैरह है, इस कारण से उन लोग भी आपत्ति कर रहे हैं कि यथावत रहने दिया जाए। हम लोग इसके संबंध में SDM साहब को दावा लगा चुके हैं, लेकिन इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि यथावत रहने दिया जाए। लोग आए हुए हैं वार्ड नंबर 50 के, उनका कहना है, उन्होंने ज्ञापन दिया है कलेक्टर सर को, जिसमें उल्लेखित किया है कि उनका कुछ वार्ड को काट करके मोहरा में जोड़ा जा रहा है, जिसका वो लोग विरोध कर रहे हैं और उसके संबंध में ज्ञापन कलेक्टर सर को सौंपे हैं कि ऐसे ना किया जाए।